चार दिन के अंतराल के बाद सोमवार को फिर राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। सोमवार को हुई लंबी पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को मंगलवार को फिर बुलाया है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूछताछ सही दिशा में चल रही है। उन्होंने कहा कि एसोसिएटेड जनरल पर यंग इंडिया का कब्जा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फिट केस है और इसमें वे कानून के तहत आगे भी कार्यवाही जारी रखेंगे। दरअसल पिछले हफ्ते सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार पूछताछ के बाद ईडी ने राहुल गांधी को शुक्रवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी ने शुक्रवार के बजाय सोमवार का समय मांगा था। रविवार को अपना 52वां जन्मदिन मनाने के बाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सोमवार की सुबह 11:05 पर ईडी दफ्तर पहुंचे। लगभग एक घंटे के लंच ब्रेक के बाद उनसे फिर से 5:45 पूछताछ शुरू हुई। ईडी अब तक उनसे 35 घंटे से अधिक पूछताछ कर चुकी है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला होने के कारण ईडी के अधिकारी राहुल गांधी से पूछे गए सवालों और उनके जवाब के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन वे इसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फिट केस बता रहे हैं। गौरतलब हो कि सोमवार आधी रात राहुल गांधी ईडी कार्यालय से पूछताछ के बाद बाहर आए। ईडी सीआरपीएस के तहत कानून सम्मत कर रहा है कार्यवाही। कांग्रेस नेताओं के बिना एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनने के आरोपों को वरिष्ठ अधिकारी ने खारिज कर दिया। उनके अनुसार ईडी सीआरपीसी के तहत कानून सम्मत कार्यवाही कर रहा है। उनके अनुसार सीआरपीसी में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने या फिर इसके लिए सीधे अदालत में शिकायत दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के बजाय अदालत में शिकायत की है।